अभी अभी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी खबर निकलकर बाहर आ चुका है। खबर यह है कि जिस व्यक्ति ने खेसारी लाल यादव का कार का एक्सीडेंट करके भाग रहा था, तो अभी अभी मनोज तिवारी ने नेपाल के बॉर्डर पे से गिरफ्तार करवा लिया है। आप सबको बता दूं, खेसारी लाल यादव का गाड़ी का टक्कर मार के भाग रहा था नेपाल, तो ये बात मनोज तिवारी को पता चला तो मनोज तिवारी ने तुरंत में एक्शन लेते हुए उस व्यक्ति को अभी अभी पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया है। आप सबको बता दूं, खेसारी लाल अपने फिल्म शूटिंग करके वापस आ रहा था, तो एक व्यक्ति ने अपने दुश्मनी निभाने के कारण खेसारी लाल यादव का कार का टक्कर कर देता है, और टक्कर करने के बाद खेसारी लाल यादव का बहुत सारा चोट पटक लगता है और उस व्यक्ति उसी टाइम वहां से फरार हो जाता है। आप सबको बता दूं कि जब वो नेपाल के बॉर्डर पे पहुंच चुका था उस व्यक्ति को, तो मनोज तिवारी को यह बात पता चला तो वहां के पुलिस से कॉन्टेक्ट करते हुए मनोज तिवारी ने उस व्यक्ति को अभी अभी गिरफ्तार करवा के जेल में बंद करवा दिया। आगे के वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सबको बता दूं, खेसारी लाल का एक्सीडेंट होने के बाद खेसारी लाल तुरंत ही में हॉस्पिटल पहुंच गया था, और अभी खेसारी लाल यादव का इलाज चल रहा है, और वहाँ का डॉक्टर का कहना है खेसारी लाल यादव अभी पूरी एकदम से सुरक्षित है, खेसारी लाल यादव का थोड़ा मोड़ा ही चोट लगा है।